मक्खी और परवाने का किस्सा है। मक्खियों ने दावा किया किंग ऑफ परवाना से कि भाई हमारे भी पर हैं, हमारे भी, हम भी उड़ना जानते हैं, हम भी तुम्हीं जैसे हैं, तो आप हमको परवाना मान लो। तो शाह परवाना ने कहा कि भाई जाओ और रोशनी तलाश करो, जाओ और रोशनी तलाश करो। परवाने का काम सिर्फ रोशनी तलाश करना है। तो वो मक्खियाँ उड़ी, मक्खियाँ कुछ 10-15 मिनट में गांव देहातों में इधर उधर गई और जाकर उन्होंने फौरन वापस आई कि ये फलाने गांव में रोशनी हो रही है, फलाने में दिया जल रहा है, फलाने में आग जल रही है, वहाँ पर चिता जल रही है, भर 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 आकर बैठ गए। अब वो मक्खियों ने बादशाह से कहा कि जी वो आप फैसला कीजिए, कह रहे हम फैसला क्या करें, कहेंगे जब वो आएंगे तो, जब आपके परवाने आएंगे तो पता चलेगा कि वो कामयाब रहे कि हम कामयाब। तो परवाना के परवानों का बादशाह कहता है कि बेटा फैसला तो हो चुका। कहेंगे जी क्या फैसला हो चुका, तो कहा कि उल्लू के पट्टो जिसको रोशनी मिल गई है उसको वापस आने की क्या जरूरत है, जो रोशनी जिसने पाली वो तो कुर्बान हो गया, वो तो एक हो गया। जिनको कामयाबी, जिनको जिनको सर्टिफिकेट चाहिए था, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो इस वक्त हम सर्टिफिकेट का काम कर रहे हैं।